नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबकी काजल मंगल मुखी। आज मैं यहाँ मेरा अपना खुद का बर्थडे मतलब जन्मदिन मैं मेरे अपने सब क्लोज फ्रेंड्स के साथ में मनाने आई हूँ। यहाँ ये मेरे अपने बेस्ट फ्रेंड है, ये सब मेरे अपने क्लोज फ्रेंड है। हाँ, आज मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल इंदिरा कॉलोनी में आई हूँ। हाँ दोस्तों, आज मैं हमारे सब क्यूट और स्वीट फ्रेंड्स के साथ में अपने जन्मदिन मनाने रही हूँ। और यहाँ जो इंदिरा कॉलोनी गवर्नमेंट हाई स्कूल में आई हूँ, यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी है प्राइमरी स्कूल के, क्योंकि ये हमारा देश के आने वाले भविष्य के ये बहुत स्ट्रांग भविष्य हो सकते हैं। आज ही हमारा देश हर बात में, हर सोच विचार में और हर चीज़ में मतलब आगे बढ़ रही है, तो हम सब आशावादी हैं। हमारे बच्चे, क्या पता इन बच्चों में से कोई साइंटिस्ट भी निकल सकते हैं, है ना, कोई बहुत बड़े सर्जन भी निकल सकते हैं, कोई बहुत बड़े कोई आर्किटेक्चर भी निकल सकते हैं, या बिजनेसमैन भी निकल सकते हैं, बिजनेस वुमेन निकल सकते हैं, मतलब स्पोर्ट्स पर्सन्स निकल सकते हैं। आप सबको पता है ना, बिजनेसमैन बोलते मुझे जो बिल गेट्स, बफेट, वॉरेन, कॉलिन स्लिम, लक्ष्मी मित्तल, अजिम प्रेमजी, धीरूभाई अंबानी और इंदिरा नूई, सावित्री जिंदल जैसे बहुत बड़े 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 जो हमारे बिजनेस वुमेन से, बिजनेसमैन से, तो वो भी तो इंसान है और ये भी इंसान है। तो आज मैं अपने जन्मदिन के दिन मैं ये सब बच्चों के लिए दुआ करूंगी और यहाँ की जो हमारे टीचर्स हैं उन सब के लिए और उनकी फैमिली, उनके परिवार के लिए दुआ करूंगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ मैं अपनी बर्थडे केक काटूंगी और साथ में इन सब के लिए गिफ्ट दे के जाऊंगी, जैसे नोटबुक्स हो गया, पेंस हो गया, पेंसिल्स हो गया, चॉकलेट्स हो गया, सब बांट के जाऊंगी। और आने वाले समय में मैं जरूर दुआ करूंगी सब के ब्राइट फ्यूचर हो, ग्रेट करियर हो और सब इंटेलिजेंट हो, ब्रिलियंट हो और टैलेंटेड होगे ना। वाह, आप सब अपने बड़ों का कहना मानोगे ना, और आप अपने टीचर्स के जो इंस्ट्रक्शन से वो फॉलो करोगे ना। Yes, और मुझे बताइए, आप बताइए, उठिए आप, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा टेंशन में है। आई स्पीक इंग्लिश लिटिल। व्हाट इज योर ड्रीम अबाउट योर फ्यूचर? आप क्या बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? अब बुरा नहीं माना, मैं हिंदी नहीं बात कर रही बोल के, एक्चुअली है ना, क्योंकि जो हिंदी जो है वो हमारा मदर टंग है ना, मदर टंग जो होता है, जो मदर टंग जो होता है, मातृभाषा जो होता है, हम मातृभाषा से ही हमने बहुत लैंग्वेज हम सीख सकते हैं। मतलब संभव सब कुछ है, असंभव कुछ भी नहीं है, मतलब एवरीथिंग फ्रॉम हियर, है ना, ट्रांसलेशन करना जैसे सराउंडिंग द टंग, है ना, और अपने आप में इतनी चैलेंज, अपने लाइफ को एक चैलेंज बना लेना तो कुछ सीख लेना। क्या बनना चाहते हो आप बड़े होके? हैं, पुलिस? आप भी डॉक्टर? आप क्या बनोगे? शर्मा रहे बच्चे। चलो मैं ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। क्या बनोगे आप? ये भी पुलिस बनना चाहते हैं, तो वही मैं कह रही थी ना। तो अभी लड़कों की बारी है, मैं सबसे आपसे पूछूंगी, आप क्या बनोगे? हैं, क्या बनोगे आप? फौजी। फौजी? ओह,
और भी वाओ रियली। आप क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर। और आप? पुलिस। पुलिस। और बेबी आप? फौजी। हाँ? फौजी। फौजी बनोगी? आप लड़का हो? आप? फौजी। देखिए बहुत सारे बच्चे कोई कह रहे कि डॉक्टर बनेंगे और कोई कह रहे कि फौजी बनेंगे, हमारा देश की रखवाला बनेंगे और हम सबका रखवाला बनेंगे, हम सबका प्रोटेक्शन करेंगे। बोल कितना अच्छा लग रहा ना। चलिए आप क्या बनोगे? मैम फौजी। फौजी। आप? पुलिस। आप? मैडम। हाँ मैडम। मैडम बनोगे? टीचर बनोगी? आप? फौजी। आप? टीचर। सब यही कह रहे टीचर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, फौजी बनेंगे, पुलिस बनेंगे, मगर जो भी बनो इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट और टैलेंटेड बनो और हमारा देश के प्यारे इंसान बनो और अपने माँ बाप के और अपने पूरे परिवार के और पूरे सब के प्यारे एक इंसान बनो, है ना? इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगा हमें इंसान बनने के लिए? मतलब आप एक मुझे जवाब दीजिएगा। जैसे अभी आप अपनी स्कूल कदम करोगे, है ना, जैसे मॉर्निंग टू इवनिंग तक स्कूल हैगा, तो आपने टाइम टेबल बना रखे हो, है ना, तो उस टाइम पे स्कूल टाइम के बाद जब तुम घर जाओगे इवनिंग पे, जब उस टाइम पे क्या करोगे? उठ के बताओ, पढ़ाई करोगे? अच्छा एक्स्ट्रा ट्यूशन में भी जाते हो? अच्छा स्पोर्ट्स कौन है इसमें? स्पोर्ट्स कौन कौन खेलते हो? गेम्स। अच्छा अच्छा चलो आप बताओ क्या बनना चाहते हो, उठो उठ के बताओ, खड़े होके स्टैंड। कौन से गेम खेलते हो? वाली लिडो। वॉलीबॉल और लिडो। वॉलीबॉल और लीडो खेलेंगे। आपका नाम? देव। अच्छा अच्छा आप कौन सी गेम खेलते हो? और आप? हाँ हाँ फुटबॉल खेलते हो। अच्छा आप मुझे बताइए फुटबॉल प्लेयर में कौन तुम्हारा पसंदीदा प्लेयर है? कोई एक नाम बता सकते हो फुटबॉल प्लेयर? अच्छा जैसे स्पेन में है, जैसे साउथ अफ्रीका में है ना, मतलब जैसे डेविड बेकहम, डिएगो मैराडोना, लुकास पेडिलोस की फ्रेंडी लोंगबा, थेरे हेनरी, वेन रूनी, पेले, काका, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये सब है ना फुटबॉल प्लेयर है ना। देखिए एक बात बताओ, वो भी इंसान है और हम भी इंसान है ना, और वो इतनी फेमस है और इतनी बहुत स्ट्रांग है वो कैसे, और हम भी तो इंसान है, तो हम भी तो एक लियोनेल मेसी बन सकते हैं, है ना, काका बन सकते हैं, डेविड बेकहम बन सकते हैं, हिमित स्मिथ बन सकते हैं, मतलब जैसे फुटबॉल प्लेयर बन सकते हैं। बनोगे आप हमारे भारत की आप मेजबान करोगे फुटबॉल का? हाँ जरूर करोगे। अच्छा मुझे अभी सुनने में आया, जब स्पोर्ट्स और मैं गेम्स के बारे में पूछे तो बहुत सारे दो चार बच्चे ने मुझे जवाब दिए लीडो। तो अगर आपने लीडो खेलने बैठ जाओगे तो वो एक एडिक्ट जैसा हो जाती है ना, है ना, उसकी तुम एडिक्ट हो जाओगे। तो इसके लिए हमने अपनी मोबाइल जितना जरूरत है उतना ही यूज करना है ना, उतना ही सदुपयोग करना है कि नहीं, है ना। आजकल मोबाइल कोई सदुपयोग भी कर रहे हैं, कोई दुरुपयोग भी कर रहे हैं, है ना। इसके लिए हम सब मोबाइल को जितना यूज करना है उतना ही यूज करना है, और उसके साथ साथ आप अपने माँ बाप का कहना मानोगे और घर का भी थोड़ा सा काम करके दोगे। जैसे आपको होमवर्क्स देते हैं
होमवर्क्स दे तो जैसे आप स्कूल से जैसे होमवर्क्स देते हैं, चलो होमवर्क्स में आपने क्या क्या काम करके आते आप बताइए। आपका नाम क्या है? नंदिनी। नंदिनी, अच्छा आप वो होमवर्क्स क्या क्या करते हो? मतलब जैसे कि स्कूल के टीचर्स जो काम देते हैं वो कर लेते हैं। थोड़ा जोर से। स्कूल के टीचर्स जो होमवर्क देते हैं वो कर लेते हैं। घर पे क्या क्या काम करते हैं? घर पे मतलब जैसे कि ट्यूशन जाती हूँ, फिर उधर से आती हूँ तो दीदी ट्यूशन पढ़ाते हैं उसमें पढ़ती हूँ। अच्छा अच्छा, आप अपनी मम्मी डैडी को और अपनी जैसे परिवार को जैसे हैं उनको आप बड़े होने के बाद में क्या बन के आप उनको हेल्प करना चाहते हो? टीचर बन के ना उनके मनी देना चाहते हूँ, मतलब वो भी एक बड़े आदमी बने। उनका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोगे, जिम्मेदारियाँ लोगे? अच्छा, एक कामयाब वुमेन बनोगे, पावरफुल वुमेन बनोगे? यस मैम। अच्छा, कामयाब वुमेन बनोगे? यस मैम। सक्सेसफुल वुमेन बनोगे? यस मैम। गॉड ब्लेस यू। सीट। और इसके साथ साथ आप अपने यहाँ से स्कूल से जाने के बाद अपना आप टाइम टेबल बना लेना। टाइम टेबल मतलब जैसे कौन सी वक्त में क्या काम करना है और कौन सी टाइम पे क्या काम करना है, मॉर्निंग में हमने वेकअप होने के बाद क्या काम से शुरू करना है, वो सब करोगे ना? है ना? क्योंकि अभी हमारा जो चाइल्डहुड जो है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक कच्ची मिट्टी की एक बर्तन है अभी तो है ना, वो अगर वो बर्तन को अगर हमने बहुत ही हुशार से मतलब जैसे बहुत केयर करके अगर यूज करेंगे तो वो लॉन्ग लाइफ तक अच्छे रहेंगे, वरना तो आज टूट गया तो जैसे टूट गया है ना, फिर नहीं जुड़ सकता ना। ऐसे वो चाइल्डहुड होता है, बचपना होता है, इस बचपने को संवार के रखना और कुछ बनने के लिए आप जरूर कोशिश करना। और आपके साथ कोई भी अगर कोई गलत करने के लिए कोशिश करता है, अगर कोई गलत मैसेज देने के लिए कोशिश करता है या रॉन्ग टच करने के लिए कोशिश करता है, आप अपने टीचर से शेयर करना और अपने पेरेंट्स से शेयर जरूर करना। ओके, कोई भी बात छुपाना नहीं है अपने माँ बाप से, ओके, और टीचर से भी। और अपना खूब मेहनत करके पढ़ाई करो, पढ़ाई करके फिर बाद में आने वाले समय में एक सक्सेसफुल पर्सन बनो और कामयाब इंसान बनो। ओके, अगर कोई चलो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी ये बात, मगर मैं फिर भी ये कहना चाहती हूँ, मगर हमारी अपनी इंसान के अंदर जो भी जो सच्चाई और अच्छाई की एक बात मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ, सबसे पहले हमें ह्यूमैनिटी फॉलो करना जरूरी है। ह्यूमैनिटी मतलब क्या है? ह्यूमैनिटी मतलब क्या है बेटा? उठो, कोई बता सकते हैं ह्यूमैनिटी मीनिंग? इंसानियत। ओके, हमें इंसानियत बना के रखना है। इंसान का पहले धर्म ही है इंसानियत, वो बाद में जो भी जो समाज ने जो बनाए हैं जैसी वो सब हमारी है ना। इंसानियत के पहले धर्म है इंसानियत, और उसके साथ साथ वो एम्बिशंस बनना जरूरी है। एम्बिशंस की मतलब क्या है, कोई बता सकते हो? कोई नहीं, मैं बताऊंगी। महत्वाकांक्षी बनना जरूरी है, ओके, और भी अफेक्शन ममता होना जरूरी है, देन बी इंटेलिजेंट ब्रिलियंट टैलेंटेड, और अपने आप को डायरेक्शन बनाना, अपने जीवन को एक डायरेक्शन बनाना है, मतलब एक दिशा बनाना है, एक गोल बनाना है, वहां तक हमने पहुंचना जरूरी है। चाहे कितने संघर्ष करूं मैं, कितने ही तकलीफ करो है ना, कितने ही तकलीफ आए, आप घबराना नहीं है और हिम्मत से आप आगे बढ़िएगा और पढ़िए लिखिए और बहुत बड़े सक्सेसफुल पर्सन या मेल या फीमेल बनिए। ओके,
और इसके साथ साथ आपको डिटर्मिनेशन का भी जरूरी है और डेडलाइन का भी जरूरी है और इसके साथ साथ आपको डेडिकेशन की भी जरूरत है और इसके साथ साथ डिसिप्लिन की भी जरूरत है। मतलब डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, हाँ, डेडिकेशन समर्पण और डेडलाइन, डेडलाइन मतलब निश्चित समय जो काम करना हमें उसी काम पे उसी टाइम पे हमने करके क्लोज करना है और डिटर्मिनेशन आप जो भी काम करोगे उसको दोबारा दोहराना है अपनी सोच और विचार में सोते वक्त बैठे वक्त जैसे कंसंट्रेशन क्या कहते हैं। अब एग्जांपल आपने पढ़ते हो लिखते हो अगर पढ़ाई के लिए भी बैठते हो लिखने के लिए भी बैठते हो ना आपका सोच और कहीं रहेगी है ना, पढ़ाई में मन ही नहीं करता है। जब उसको हमने क्या करना उस टाइम पे हमें कौन सी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, कंसंट्रेशन। क्या कंसंट्रेशन मतलब ध्यान, ज्ञान है ना, हमारा ज्ञान को खींच के लगाम लगा के रखना है। नहीं मैं पढ़ रही हूँ मैं लिख रही हूँ मैं जो पढ़ रही हूँ उसी को ही ध्यान करके पढ़ोगे तो तब आपका एग्जाम होगा कोई भी एग्जाम होगा उस टाइम पे आपको लिखने के लिए बहुत कुछ मदद मिलेगी है ना। कंसंट्रेशन और कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन जब अपने आप जब आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे लिखोगे तो कन्वर्सेशन सुख सुविधा भी मिल जाएगी ओके। और उसके साथ साथ आप सब अपनी इस जीवन को सब सदुपयोग करोगे, आप सब प्रॉमिस करोगे मेरे साथ ओके। आप सबका गिफ्ट मेरे लिए यही है कि आप सब बहुत सारा पढ़ाई करोगे, अपना बुजुर्गों का कहना मानोगे मतलब ओबे योर एल्डर्स एंड ओबे योर टीचर इंस्ट्रक्शंस ओके। यही मेरे लिए गिफ्ट है और मैं सबके लिए ब्लेसिंग्स दूंगी और प्रेयर करूंगी कि सबके ब्राइट फ्यूचर हो, ग्रेट करियर हो और अच्छे अच्छे बच्चे बनो और सच्चे बच्चे बनो ओके। कैसा लगा दोस्तों आप सबको, ये तो बच्चे हैं है ना। अगर आज हमने बच्चों की मन और मस्तिष्क में जो हम भरेंगे वही समझेंगे ना तो, मगर फिर भी हमारे भारत के बच्चे, हमारा भारत महान है, मुझे पूरी तरह विश्वास है ये सब बच्चे अच्छे कामयाब बच्चे बने और सच्चे और अच्छे बने और हमारा देश के एक महान व्यक्ति बने। और दोस्तों आप सबको पता है आज मेरा बर्थडे है, जन्मदिन है आप सबकी काजल मंगलमुखी का, मुझे बहुत खुशी मिल रही है इन सब बच्चों के साथ में अपने जन्मदिन मनाते हुए।